फ्रेंड, वेलकम टू सीधे रसोई से। आज हम बनाएंगे स्टफ दही भुजिया। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये धुली हुई उड़द दाल ले ली है। आप इसको चाहें तो मूंग दाल से भी बना सकते हैं, बट इससे बहुत ही अच्छी बनती है और नो डाउट ख़राब नहीं बनती है, क्योंकि मूंग दाल थोड़ी पतली हो जाती है, इस वजह से उससे नहीं बना सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। ये मैंने सोख करके रखी हुई थी रात भर, तो इसको मैंने निकाल लिया है पानी से, तीन चार पानी से धो लिया है। और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और हम जो ग्राइंड करेंगे ना स्टफ दही भुजिया के लिए, उसको हम बहुत ही बारीक या मतलब बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा करके और थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। जिस तरह से मैं बताऊँगी आप उस तरह से बनाएंगे, तो आपकी दही भुजिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनेगी। मैं सबसे पहले दाल को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा हुआ है दाल के अंदर, जिससे कि दाल के साथ साथ जो पानी आएगा बस बेस्ट रहेगा, उसमें ऊपर से पानी और नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी इसके साथ ही ले रही हूँ, तो ये पानी काफ़ी रहेगा उसके लिए, अंदर पानी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसको बंद करके थोड़ी थोड़ी दाल लेके हम पीसेंगे, क्योंकि ज़्यादा दाल लेंगे तो नीचे से पिस जाएगी ज़्यादा बारीक और ऊपर से रह जाएगी मोटी मोटी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। देखिए इस तरह का हमें एक पेस्ट चाहिए, जिससे हमारी दही गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी, न ज़्यादा पतली है न ज़्यादा गाढ़ी है। यहाँ पर मैं ये सारी दाल जो है एक भगोने में निकालती जाऊँगी और बाकी की दाल को मैं इस तरह से ही पीस कर तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ये सारी दाल पीस कर तैयार कर ली है। और इस दाल के हम एक भगोने में निकाल लेते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा भगोना होगा उसमें हमें दाल फेंटने में थोड़ा अच्छा आसानी रहेगी। इस दाल को हम पीसेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा मोटी भी नहीं है ज़्यादा पतली भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है। और इसमें हमने डाल दी है हींग, और हींग के बाद में हमने डाला यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, मतलब नमक इसके अंदर बहुत कम पड़ता है, बाकी आप देख लें, आप ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें हम कोई सोडा या कोई बेकिंग पाउडर ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ अलग चीज़ जो हम इसको फ्राई करेंगे ना जो गुजिया को, उसके अंदर से हमने गरम ऑयल निकाल के 2 चम्मच के करीब हमने इसमें डाल दिया है। ये हमारा सीक्रेट ट्रिक, और इस सीक्रेट ट्रिक से हमारी गुजिया बनेगी एकदम सॉफ्ट और स्मूदी, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। जो मैं कहने वाली हूँ यही आपसे कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, और बार बार यही कहूँगी, मेरे यहाँ पे सबको ये बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे इसको दाल को अच्छे से फेंट रही हूँ, आप चाहें तो इसके हाथ से भी फेंट सकते हैं, और इसको चमचे से फेंट रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में अपन को इसको फेंटना है, क्योंकि उसके जो बबल्स आएंगे, एयर जो बनेगी एक ही हिस्से में बनेगी, और हम चारों तरफ से कट करके बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। और हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक कटोरी में पानी ले लेते हैं, और अगर पानी में दाल डालने पर नीचे बैठ जाती है तो अभी दाल तैयार नहीं है दही गुजिया के लिए, और अगर तैरने लग जाती है तो दाल तैयार है। ये देखिए दाल पानी के ऊपर अच्छे से तैर रही है, बिल्कुल भी मतलब नीचे नहीं बैठ रही है चारों तरफ से, तो दाल एकदम परफेक्ट है अपनी। तो यहाँ पर दाल को हम कर देते हैं साइड में, दाल तैयार हो गई है। और यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने एक भगोना ले लिया है, एक खाली भगोना था, बट अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी और 1 चम्मच नमक और थोड़ा चुटकी भर हींग। हींग डालने के बाद में इसमें जो हम दही बड़े सेकेंगे उसको सेक करके हम इसमें डीप करते जाएंगे, और डीप करने के बाद में क्योंकि ये जो दही बड़े बनेंगे वो पानी में डीप करेंगे तो उसको बहुत ही सॉफ्ट बना देगा पानी, और अंदर से हम उसको स्टफ करेंगे। उसके लिए हम इसके लिए बना रहे हैं एक मसाला। मसाला क्या मतलब, एक थोड़े से किशमिश और थोड़े से काजू ले लिए हैं, जिसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटे काजू होंगे तो वो निकलने के चांसेस हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये काजू और किशमिश को तैयार कर लिया है, और इसको हम रखते हैं साइड में। यहाँ पर मैं लूँगी एक कपड़ा, जिसपे हमारी बड़ी मम्मी और मम्मी वगैरह सब बनाया करते थे, जिस तरह से दही गुजिया मैं उस तरीके से बना रही हूँ आज,
क्योंकि वो लोग ऐसे ही कपड़े पर बनाते थे, तो मैं भी उसी तरह से बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही मतलब टेस्टी तो बनती हैं, कपड़े के ऊपर रखने से टेस्टी का मतलब नहीं है, बट है ना बहुत ही ईजिली बन जाती है एक तरह से, ये देखिए। और बहुत ही पतली शेप में और बहुत ही गोल राउंड में, जैसे इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है और हाथों को भी ग्रीस कर लिया पानी से। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पेस्ट दाल वाला, और दाल का पेस्ट लेने के बाद में हम इसको दोनों तरफ से हाथों को ग्रीस करेंगे और दाल को भी पानी से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसको रखेंगे टॉवल के ऊपर, टॉवल के ऊपर रख के हम इसको पतला पतला हाथों से उंगलियों से फैलाएंगे। इसमें कोई बेलन का काम नहीं है, इसको हम उंगलियों से ही फैलाएंगे। आप चाहें तो इसको थैली के ऊपर भी बना सकते हैं, उसके ऊपर भी बन सकता है, बट मुझे यही तरीका बहुत ही ईजी लगा और बहुत ही अच्छा लगा। इसमें मैंने स्टफ कर लिया है थोड़ा सा काजू और किशमिश जो मैंने बनाए थे, और इसको इस तरह से देखिए थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इसको उंगली से साइड साइड से थोड़ा सा फोल्ड प्रेस कर देंगे, जिससे ये खुलेगा नहीं। वैसे तो खुलता नहीं है क्योंकि दाल होती है तो तुरंत चिपक जाती है। और इस तरह से मैंने एक और गुजिया बना ली है, यहाँ पर मैंने 3-4 इकट्ठी गुजिया बनाऊँगी और उसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे बना लिए मैंने 4 गुजिया और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद में देख के तो उसको मैंने एक एक करके उठाना है, तो मैंने यहाँ पे ये एक उठा लिया है और बहुत ही इजी होता है उठाना। हाथों को गीला ज़रूर करें वरना दाल की गुजिया है चिपक जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया है। जब हम दही गुजिया डाल देंगे जब वो ऑयल के ऊपर तहने लग जाएगी, उसके बाद में ही हम इसको छेड़ेंगे, वरना हम इसको छेड़ेंगे तो ये फट जाएगी। और इसको बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पर और रेड एकदम ब्राउन सेकनी होती है। इसको वाइट गुजिया नहीं निकालते हैं क्योंकि जब वाइट निकालेंगे तो वो 100% कच्ची रह जाती है। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको बिल्कुल रेड ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको सेकना है, और ये बहुत ही मतलब अंदर तक इसकी इतनी अच्छी रोस्ट हुई है कि बहुत ही अच्छी और दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसको हम साइड कर देते हैं और इसको मतलब पानी के अंदर डिप करेंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी सेक के तैयार कर ली है, तो इसको हम अब पानी के अंदर डिप कर देते हैं जो हमने पानी तैयार किया था, नमक और हींग वाला पानी इसके अंदर हम डिप करेंगे। ये तरीका सिर्फ यही तरीका है, इसका और कोई तरीका नहीं है। इसको आप डायरेक्ट दही में डालेंगे तो ये टाइट हो जाती है, इसको डायरेक्ट दही में कभी मत डालना। इसको हमेशा पहले पानी के अंदर और उसके बाद इसको दही के बाद अंदर डालते हैं, क्योंकि पानी में डायरेक्ट दही के अंदर डायरेक्ट डालेंगे तो इसमें थोड़ी सख्त जो हो जाती गुजिया जो है सख्त हो जाती है। और इसको हम करीब 2 घंटे के लिए पानी में रखे रहने देंगे, जब तक ये पानी में रखी हुई है जब तक हम इसकी रेड चटनी बना लेते हैं। आज सिर्फ हम 2 ही रेसिपी सीखेंगे इसके अंदर, रेड चटनी और दही गुजिया की रेसिपी। यहाँ पे मैंने इमली को भिगो लिया है करीबन 1/2 घंटे और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में जो इसका जो कचरा होता है उसको हम निकाल कर फेंक देंगे और बाकी नीचे का गूदा जो है उसको हम तैयार करेंगे चटनी। और यहाँ पर इमली ग्राइंड होकर तैयार हो गई है, और ग्राइंड होने के बाद में हम इसको एक स्ट्रेनर में छान लेंगे।
यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर में गूदा डाल दिया है और इसको मैं हाथ से छानने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा छोटा बन जाए तो हाथ से बहुत जल्दी हो जाएगा, और आप चाहें तो इसको चमची वगैरह से दबा कर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये गूदा नीचे कर लिया है और उसका कचरा जो था निकाल दिया है, ये सारा गूदा निकल आया है। इसमें हम एक टुकड़ा डालेंगे गुड़ का, जो मीठा करी का इसको, और इसमें अब हम डालेंगे एक चम्मच काला नमक, चौथाई के चम्मच के करीब, और अब डाल देंगे हम इसमें भुना हुआ जीरा, और भुने हुए जीरे के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, वाइट नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, और लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर से थोड़ा तीखा बन जाएगा। और इसमें हम डाल देते हैं अब काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालने से अच्छी चटपटी बन जाएगी। और अभी सारे मसाले मैं गैस के ऊपर नहीं मिला रही हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी मिलाकर हम इसको मेल्ट कर लेंगे गुड़ को, अभी गुड़ को मेल्ट करने में टाइम लगता है ना, इसलिए पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। गुड़ अभी साबुत है तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ कर मिला लेंगे, और इसको अब हम रखेंगे गैस के ऊपर। गैस के ऊपर हमने रख दिया है और गैस फ्लेम हमने अब ऑन कर दिया है, और इसको हम दो एक बॉयल लेंगे तो हम 10-15 दिन तक इसको चटनी को खा सकते हैं। और आपको अगर 5-6 महीने के लिए या महीने भर के लिए रखनी है तो इसको एक तार की चाशनी के लिए अच्छे से पकाना होगा लो मीडियम फ्लेम पर रखकर, तो वो काफ़ी दिनों तक चल जाती है। यहाँ पर मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अभी ये पतली है, बट ये जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, तो मैं यहाँ पर गैस फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे दही बड़े को 2 घंटे हो गए हैं, चटनी भी अभी मतलब पतली है, तो इनको हम थोड़ा सा साइड करके ठंडा कर लेते हैं, और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे ये ठंडे हो गए हैं दही बड़े, और ये चटनी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया एक प्लेट, और उसमें हम लेंगे दही गुजिया, जो कि बिल्कुल निचोड़ कर पानी को लेंगे, क्योंकि अगर हमने पानी वाली गुजिया ले ली तो जब हम दही डालेंगे तो वो दही पतला हो जाएगा, इसलिए हम दही गुजिया को बिल्कुल निचोड़ देंगे और उसको अच्छे से पानी निकाल कर फिर हम यूज में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको दोनों को निचोड़ दिया है, और इसके ऊपर गाढ़ा दही जो कि मैंने हंग कर लिया था कर्ड को, और उसके ऊपर से जो भी मलाई वगैरह होती है वो सब निकाल दी थी, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसमें स्मूदी दही लिया है यूज में, और थोड़ा थोड़ा दही हम दोनों गुजिया के ऊपर डाल देते हैं। इसके लिए बिल्कुल गाढ़ा दही चाहिए होता है, वरना ये अच्छी नहीं लगती है। और ये ग्रीन चटनी को मैंने हरा धनिया पुदीना नमक जीरा और हींग और डालकर तैयार किया है, और हरी मिर्च, तो आप भी इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और लाल चटनी की रेसिपी मैंने आपको पूरी बताई हुई है, इसके ऊपर से डालेंगे हम लाल चटनी, देखने बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने का मन कर रहा है, मैं तो अभी खाने वाली हूँ। आप लोग भी बनाकर तैयार करें और खाएं। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, दही की प्लेट, दही गुजिया की प्लेट तैयार हो गई है, और आपको मैं कट करके दिखा रही हूँ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है देखिए, कितनी स्मूदी से कट गई, और दही डाल डाल के इसको खाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।